Krishna. Jai Samvet Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Jai Samvet Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswat Deva Gauravani Pracharne Nirvishesa Sunyavadi Paschat Desatarne Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Matto pyanantat matto pyanantat parata parasmat Swarga pavarga dhipater na kinchit Jesam kimushyaditarena tasam Jatesam akinchananam mai bhakti bhajam Matto pyanantat paratah parasmat Swarga pavarga dhipater na kinchit Jesam kimusya ditarena tesam Akinchananam mai bhakti bhajam शब्दा मत्तः मुझसे अपे भी अनंतात बल तथा ऐश्वर्य में असीम परतः परस्मात् सर्वोच्च से ऊंचा स्वर्ग पवर्ग अधिपते स्वर्ग में प्राप्य सुख को मुक्ति द्वारा
अथवा भौतिक सुखभोग द्वारा फिर भी मुक्ति द्वारा प्रदान करने में समर्थ ना नहीं किंचित कुछ भी एसाम जिसका किम क्या प्रयोजन ओ स्यात् क्या हो सकता है इतरेण जिन्हें किसी वस्तु की अन्य किसी से जिन्हें किसी वस्तु की अन्य किसी से तेषाम उनका अकिंचनानाम आवश्यकता नहीं है अथवा जिन्हें संपत्ति की इच्छा नहीं है मई मुझ में भक्तिभाजाम भक्ति करने वाले अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मैं ब्रह्मा तथा स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान सर्वशक्तिमान तथा श्रेष्ठ हूँ मैं स्वर्ग लोक में प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को तथा मोक्ष को देने वाला हूँ तो भी ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते वे अत्यंत पवित्र तथा निष्प्रिय हैं वे एकमात्र मेरी भक्ति में लगे रहते हैं भला उन्हें अन्य किसी से भौतिक लाभों के लिए याचना करने की क्या आवश्यकता है तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मण की संपूर्ण योग्यता का उल्लेख है अकिंचनाना मई भक्तिभाजाम ब्राह्मण सदैव ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं फलतः न उन्हें भौतिक वस्तुओं की चाह होती है न ही उनके पास संपत्ति होती है चैतन्य चरितामृत मध्य में कहा गया है चैतन्य महाप्रभु ने उन शुद्ध वैष्णवों की स्थिति की व्याख्या की है जो भगवान के धाम जाने की इच्छुक रहते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं वे निष्किंचन हैं अर्थात भौतिक सुख की उन्हें कामना नहीं रहती श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है संदर्शनम संदर्शनम विषयिणाम अथ जोषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण प्रसादो ऐश्वर्य तथा स्त्री संसर्ग द्वारा इंद्रिय तृप्ति विष से भी अधिक घातक है ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव होने के कारण सदैव ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं और भौतिक लाभ की उनमें रंच भी इच्छा नहीं रहती भौतिक सुख प्राप्ति के लिए वे ब्रह्मा इंद्र या शिव जैसे देवताओं की पूजा नहीं करते यहाँ तक कि परमेश्वर से भी वे भौतिक लाभ के लिए याचना नहीं करते अतः निष्कर्ष निकलता है कि संसार में ब्राह्मण श्रेष्ठ जीव हैं श्रीमद् भागवतम में श्री कपिल देव भी इसकी पुष्टि करते हैं तस्मान मई अर्पिता से सक्रिया तार्थमा निरंतर मई अर्पितात्मन पुंसो मई संन्यस्त कर्मण न पश्यामि परम भूतम अकर्तु समदर्शनात् ब्राह्मण मनुषा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा में समर्पित रहने वाले हैं ब्राह्मण से बढ़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है भगवान ऋषभ देव प्रवचन कर रहे हैं ब्रह्मावर्त में कानपुर में देश की जनता जुटी है और भगवान के 100 पुत्र भी हैं जिसमें राजर्षि भरत श्रेष्ठ थे तो भगवान के 100 बेटा बैठे हैं और जनता बैठी है सबको भगवान उपदेश कर रहे हैं तो उन्होंने क्रम से बताया कि कृष्ण भावना की प्रगति में बढ़ने के लिए कृष्ण भावना प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों की सेवा बहुत आवश्यक है उसी संदर्भ में भगवान अब उपसंहार कर रहे हैं ये अंतिम श्लोक है जिसमें ब्राह्मणों की योग्यता का वर्णन कर रहे हैं ब्राह्मण है मुझसे भी कुछ नहीं मांगते हैं फिर दूसरे से क्या मांगेंगे मैं स्वर्ग का और उपवर्ग का अधिपति हूं
तो स्वर्ग में जो भी सुख है इंद्र आदि को प्राप्त है उसका स्वामी मैं हूँ, मैं अधिपति हूँ। और अपवर्ग वैकुंठ का स्वामी भी मैं हूँ। वैकुंठ में जो भी सुविधा है, जो भी सुख है, सब मेरे अधीन है। और स्वर्ग का सुख मेरे अधीन है और इस पृथ्वी का भी सुख सब मेरे अधीन है। मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। तो मैं अपने शुद्ध भक्त को, ब्राह्मण को ये चीज देना चाहता हूँ तो मेरे देने पर भी वे नहीं लेते हैं। दिए मानव न गृहणंती। एक श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं देता हूँ पर देने पर भी नहीं लेते हैं, फिर मांगने की तो बात ही क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब वे मुझसे भी नहीं मांगते हैं तो किमु इतरे रहते शाम, तब दूसरे से क्या उनको जरूरत है, दूसरी वस्तुओं की वे क्या कामना करेंगे। असली बात है कि वे मैं भक्ति भाजा, मेरी मेरे भक्ति के पात्र हैं, उनमें मेरी भक्ति लबालब भरी रहती है, भक्ति के सुख से वे तृप्त रहते हैं। इसी कारण से अन्य वस्तुओं की कभी कामना नहीं करते हैं। इस तरह भगवान अपने भक्तों का लक्षण बता रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों को बहुत आदर देना, उनका सम्मान करना चाहिए, भगवान के कहने का मतलब है। हम लोगों के जीवन में यह बहुत आवश्यक चीज है। अत्यंत विनीत रह करके और बड़ों का आदर करना, उसमें भी ब्राह्मण का तो विशेष रूप से। ब्राह्मण का लक्षण भगवान ने इसके पहले बताया है और इसमें भी बता रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ लक्षण है मैं भक्ति भाजन, जो मेरी भक्ति के पात्र हैं, मेरी भक्ति उनके अंदर भरी हुई है, जो भक्ति के सुख में विभोर हैं और भौतिक कुछ भी वस्तु का संचय नहीं करते हैं, अकिंचन है। अकिंचन, किंचन माने कुछ और अ माने नहीं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे अकिंचन हैं। ब्राह्मणों के लिए यह निर्देश है कि उन्हें भौतिक सुख का संचय नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का तेज तपस्या से बढ़ता है, संतोष सबसे बड़ा सुख है। भगवान वामन देव ने कहा है कि असंतोषी ब्राह्मण का तेज घट जाता है, जैसे जल डालने से अग्नि शांत हो जाती है, बुझ जाती है, ऐसे असंतोष ब्राह्मण के तेज को खत्म कर देता है। और संतोषी व्यक्ति ब्राह्मण कहीं भी जाए उसके लिए सारा संसार सुख से भरा है। मनु महाराज कहते हैं जैसे चाम का जूता पहन लेने से पूरी पृथ्वी चमड़े से आवृत मानी जाएगी, अगर पैर में जूता है, मजबूत जूता है, तो वो कहीं भी पृथ्वी उसी जूते से युक्त है, कहीं कांटा नहीं लगता है, कोई कंकड़ नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से जिसके हृदय में संतोष है उसके लिए सारी पृथ्वी सुख से भरी हुई है। तो ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि भगवान के भक्ति से, भगवान के नाम कीर्तन से, श्रीमद् भागवतम से वो सुखी होता है,
और उससे अन्य सुख की अपेक्षा नहीं होती है। यहाँ तक कि भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये ले लो, स्वर्ग ले लो, या इस पृथ्वी का एक छत्र राजा बन जाओ, वो कहता है ना, हमको नहीं चाहिए। भगवान से इस तरह से कह देना ये बहुत बड़ी बात है। जो सब कुछ दे सकते हैं और वे कहते हैं कि तुम ले लो, बहुत दुख सहे हो, मेरा भजन किए हो, तो भक्त कहता है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना नाक पृष्ठम न चपार मिष्टम, मुझे स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज नहीं चाहिए, पाताल की संपत्ति नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, और तो क्या मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, तो चाहते क्या हो। भक्त कहता मैं चाहता हूं मेरा जन्म हो और जन्म जन्म मैं आपके दासों का दास बनूं, आपके भक्तों का सेवक बनूं। यही प्रार्थना अधिकांश भागवत में है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ हैं कि वे मेरे भक्त होते, मेरी भक्ति के रस से भरे रहते हैं और उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। स्कंद पुराण में कथा है कि एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था कौत्स, कौत्स ब्राह्मण। वो गुरु के यहाँ पढ़ रहे थे और पढ़ाई पूरा की, गुरुकुल में पढ़ाई पूरा करके और गुरु से पूछे, गुरु जी आपको हम क्या दक्षिणा दें, क्या सेवा करें। पहले के विद्यार्थी पढ़ने के बाद गुरु जी से पूछते थे कि आपको क्या चाहिए। भगवान कृष्ण भी ऐसा किए हैं, तो उनको तो गुरु जी ने कह दिया कि हमारे मरे हुए बेटा को ला दो, तो भगवान ला दिए। तो ये परंपरा थी पहले, अब तो बिल्कुल उल्टी होगा, तो एडमिशन के समय ही अब बहुत भारी चार्ज देना होता है, उसी में लड़के असमर्थ होते हैं और पढ़ाई नील। कल एक व्यक्ति कह रहे थे कि केवल स्कूल में बच्चा चला जाए, सीटिंग करे, केवल बच्चों के साथ बैठे, इसका भी बहुत बड़ा फीस है। पढ़ाई तो बाद में होगी, पहले बैठना सीख जाए, स्कूल में जाना सीख जाए। उस समय पहले विद्यार्थी पढ़ते थे और खूब मनोयोग के साथ, इसके बाद गुरु की इच्छा पूछते थे कि आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहिए। तो कौर से इस तरह से पढ़े अपने गुरु के यहाँ और अंत में पूछे, गुरु जी आपकी क्या सेवा करें। तो उनके गुरु जी ने कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, लेकिन वे बार बार विनय किए, बार बार आग्रह किए, नहीं कुछ सेवा का अवसर दीजिए, कुछ सेवा का अवसर दीजिए। तब गुरु जी ने उद्विग्न होकर कह दिया, तुम हमसे 14 विद्या पढ़े हो, 14,000 सोने का मुहर दो। ऐसे कह दिया, 14,000 मुद्रा हमको दो। तो कौत्स तो बिल्कुल अकिंचन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, वे अयोध्या गए। उस समय महाराज रघु राज करते थे। महाराज रघु बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन वे यज्ञ में सब कुछ दान कर चुके थे, उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, राजकोष खाली हो गया था, कुछ भी नहीं था। और ऐसे राजा के यहाँ
एक ब्राह्मण और वो भी स्नातक विद्यार्थी गया कुछ मांगने के लिए। तो महाराज ने पूछा आपकी क्या सेवा करें, तो उन्होंने कह दिया हमें गुरु दक्षिणा देना है, गुरु जी की सेवा में 14,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तो राजा के पास एक भी मुद्रा नहीं थी, यज्ञ में सारा राजकोष खाली हो गया था और इधर ब्राह्मण अतिथि आए हैं तो वे बिना दान दी कैसे रह सकते थे, पर कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने सेनापति को कहा कि अब स्वर्ग के कैशियर ट्रेजरर कुबेर जी पर चढ़ाई करो। रथ तैयार किया गया, सारी सेना स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गई अलकापुरी चढ़ाई करने के लिए। तब तक कोषाध्यक्ष ने आकर के खबर दिया कि महाराज आपके कोष में स्वर्ण मुद्रा की वर्षा हो रही है, स्वर्ग से सोने की मुद्राएं बरसाई जा रही थी, बहुत वर्षा हुई, पूरा आगार भर गया, पूरा कोष भर गया स्वर्ण मुद्रा से। तो कुबेर जी ने सोचा कि अब लड़ाई क्या करना है, हम तो निश्चित हार जाएंगे, इसलिए दान कर दे, एक दाद दे देना चाहिए। तो स्वर्ण मुद्रा भरी पड़ी थी पूरा हाल में। तो महाराज रघु ले गए कौच को, कहे कि ये आपके लिए स्वर्ण वर्षा हुई है, आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं केवल 14,000 लूंगा, एक पैसा भी अधिक नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज रघु ने कहा कि आपके लिए वर्षा हुई है, इसमें से मैं एक भी नहीं लूंगा क्योंकि ये ब्राह्मण का धन है। तो राजा में और उस ब्राह्मण में ऐसा होने लगा कि आपका है तो कहते थे आपका है, ब्राह्मण कहते थे कि महाराज सब आपका है, हमारा केवल 14,000 आप दे दीजिए। जो राजा बड़ा आग्रह करने लगे कि नहीं नहीं आपके लिए सब है, तो ब्राह्मण ने कहा कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो गुरु जी को देने के लिए 14,000 चाहिए, चाहे 14 करोड़ हो या लाख हो, कुछ भी हो ये नहीं चाहिए। तब अंत में राजा कह दे ठीक है ले जाइए, वो 14,000 ले लिए और शेष द्रव्य ब्राह्मणों को दान दे दिया गया। राजा ने कुछ भी नहीं रखा और ब्राह्मण भी कुछ नहीं रखे। तो इस तरह से भक्त ब्राह्मण निष्प्रिय होते हैं, संतुष्ट होते हैं। मनुस्मृति में उसके 5वें अध्याय में 106वें श्लोक में मनु महाराज ने कहा है समस्त शुद्धियों में, समस्त पवित्रताओं में सबसे बड़ी पवित्रता है अर्थ शुद्धि। अर्थ शुद्धि का मतलब है अन्याय से और बेईमानी से किसी का एक पैसा भी नहीं लेना और अपनी कमाई से, अपनी शुद्ध मेहनत से जो मिले उससे अपना निर्वाह करना, इसको अर्थ शुद्धि कहते हैं। तो कहते हैं कि अर्थ शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। हम कैसे कपड़ा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं,
ये सब शुद्ध कमाई का होना चाहिए। तो वे कहते हैं कि केवल पानी से और मिट्टी से स्नान करने से शुद्धि नहीं होती है। बहुत अच्छा से स्नान करें साबुन लगा करके या मिट्टी लगा करके पानी लगा करके स्नान करें, और अगर बेईमानी का एक पैसा भी अपने पास है तो वो अशुद्धि हो गई, शुद्ध नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी शुद्धि है मन की शुद्धि। मन में अर्थ की कामना नहीं होनी चाहिए, ये ब्राह्मण का लक्षण है, ब्राह्मण का स्वभाव है। हमारे वैदिक इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, कितना लोग शुद्ध होते थे और ब्राह्मणों का भक्त। एक ऐसी कथा है अयोध्या के राजा की, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजा हरिश्चंद का, सत्यवादी हरिश्चंद। हमने बहुत बचपन में एक नाटक देखा था, सत्यवादी हरिश्चंद। तो ऐसा हुआ कि महाराज हरिश्चंद की कीर्ति स्वर्ग तक फैली थी, सब लोग प्रशंसा करते थे। तो उनकी प्रशंसा को सुनकर इंद्र को स्प्रिया हो गई, ईर्ष्या हो गई। तो उन्होंने विश्वामित्र जिसे भेंट किया और कहा, इंद्र ने कहा कि राजा हरिश्चंद कितना सत्यवादी है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो विश्वामित्र में बहुत तपोबल था, वे एक दिन सोए हुए राजा हरिश्चंद को सपना में कहे, सपना दिखाए कि वे राजा के यहां गए हैं सपना में। विश्वामित्र मुनि का प्रभाव था, वे राजा हरिश्चंद को सपना दिखाने लगे। वो सपना देख रहे थे कि मैं दान दे रहा हूं और यह पृथ्वी विश्वामित्र को दान दे दिया सपना में। सवेरा होते हैं विश्वामित्र पहुंचे राजा हरिश्चंद के यहां, कहे कि तुमने हमको दान दिया है ना। तो राजा हरिश्चंद ने कहा हाँ, तो ठीक है लाओ सब। तो राज दान दिए थे, इसका मतलब राज्य का हाथी घोड़ा नौकर चाकर राजकोष सब कुछ विश्वामित्र का था, सब कुछ विश्वामित्र का। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मेरा है, तुमने राज दान दे दिया है। तो राजा हरिश्चंद ने कहा कि हाँ दान दिए। तो जैसे दान दिए हो पृथ्वी का, तो कुछ कैश भी दोगे कि नहीं, कुछ दक्षिणा दोगे कि नहीं, क्यों नहीं दूंगा। तो कहे कि दो। तो अब तो कुछ था नहीं, जब राजकोष में गए कुछ लेने के लिए स्वर्ण मुद्रा, तो विश्वामित्र मुनि ने कह दिया ये तो सब राज दान कर दिए हो, इस दान में से दान करोगे। छी छी, ऐसा राजा को नालायक, दान दी हुई वस्तु को दान देना चाहते हो। तब राजा हरिचंद ने कहा हाँ ये मेरी भूल है, दूसरा दान हो तो, अब तो कुछ था नहीं, तब पृथ्वी दान कर दिए थे, पृथ्वी पूरा
उनके अधिकार में थी, विश्वामित्र मुनि के। तब राजा हरिश्चंद ने सोचा कि काशी इस पृथ्वी पर नहीं है। शास्त्र कहता है काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, वो इस पृथ्वी से अलग है। तो उन्हें कहा कि मैं उपाय करूंगा, मैं अपने को बेच करके और कुछ पैसा लेकर आपको दक्षिणा दे दूंगा। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि कहाँ बेचोगे? उन्हें कहा काशी। ठीक है। तो राजा हरिश्चंद, उनकी पत्नी सैब्या और बच्चा रोहितास, ये तीनों चले। रथ से नहीं चल सकते थे क्योंकि रथ सब दान हो चुका था, घोड़े हाथी सभी दान हो चुके थे, तो दान की वस्तु का वे उपयोग अपने में नहीं करते, तो पैदल जा रहे थे। पैदल जाते समय रानी थक गई, राजकुमार थक गया। तो हम ड्रामा में देखे थे जब राजकुमार को प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए किसी गृहस्थ के यहाँ रास्ते में जाता है, तो राजा हरिश्चंद देखने पर तुरंत रोके, सुनो सुनो क्या कर रहे हो, तो प्यास लगी है पानी पीना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे पूर्वज गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाए, उसी वंश का होकर के तुम दूसरे का दिया हुआ पानी पियोगे? तब तो बच्चा पानी नहीं पिया। जो वंश इस पृथ्वी पर गंगा जी को लाया है और उसका वंशधर कोई भी दूसरे का दिया हुआ पानी पिएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो प्यासे जा रहा था बच्चा, रानी रोने लगी, पैर में फफोले पड़ गए। हमने सुना था उस नाटक में और गीत की एक पंक्ति याद है, भोजपुरी में गाया था, वो रानी गा रही है, चलत चलत मोर पैया पिरैले हो सतवादी राजा, काशी नगरिया कतना दूर हो सतवादी राजा। काशी कितना दूर है, चलते चलते पैर थक गया। अंत में राजा हरिश्चंद अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी पहुंचे और बाजार में चिल्लाने लगे कि हमको कोई ले लो कुछ पैसा देकर। तब कोई नहीं ले रहा था, सब पहचानते थे कि राजा हरिश्चंद है, तो कोई नौकर नहीं रखा उनको। अंत में एक स्वपच एक चंडाल काशी का जो मुर्दा जलाता था, श्मशान का मालिक था, उसने कहा कि हम रख सकते हैं तुमको नौकर। तो उसने 5,000 स्वर्ण मुद्रा दिया राजा को और अपने यहां नौकर रख लिया। फिर भी दक्षिणा पूरी नहीं हो रही थी, इतने बड़े राज्य का दान किया है तो 5,000 उसमें क्या है, बहुत कम था। जब ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो कुछ दक्षिणा भी देते हैं ना, तो वो दक्षिणा बाकी रह गई थी। तब उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया, स्वयं बिक गए चंडाल के यहाँ और पत्नी को बेचा एक ब्राह्मण के घर। वो कुटती थी, पीसती थी, बेटी की सेवा करती थी उस ब्राह्मण के यहाँ, माला गूंथती थी, ये भोजन पकाती थी, ये उसकी सेवा थी। और फिर भी कुछ बाकी रह गया तो बच्चा बिक गया,
लड़के को बेच दिया राजा हरिश्चंद्र ने, वो भी मां के साथ रहता था, फूल तोड़ करके लाना बगीचा से, पूजा करवाना, ये उसकी उसका काम था। तो तीनों बिक गए, राजा, पत्नी और बच्चे, तीनों बिक गए। राजकुमार बिक गया, राज रानी चक्रवर्ती सम्राट की रानी थी वो दासी बन गई, और महाराज खुद चंडाल के दास बन गए। कोई श्रेष्ठ पुरुष पर जब विपत्ति आती है तो उससे उसका तेज और बढ़ता है। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाए तो सोना जलकर भस्म नहीं होता है, उसकी दीप्ति और बढ़ती है। तप्त कांचन, तपाए जाने पर सोना और पीला पीला दिखरने लगता है, उसमें चमक बढ़ जाती है। तो ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष पर आई हुई विपत्ति उसके तेज को घर को और बढ़ा देती है। राजा हरिश्चंद श्मशान में पहरा दे रहे थे, ऐसी दैव जो घटना। एक दिन रोहिताश्व को सर्प दंश दिया बगीचे में फूल लाने में, वो गया था फूल लाने तो वहीं पर बगीचे में एक सर्प काट लिया उसको, वो मर गया। तो अपने मरे हुए बेटा को गोद में उठा करके रानी सैव्या लाई श्मशान, जहां पर राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। उस चंडाल स्वामी ने उनको इस काम के लिए नियुक्त किया था कि जो भी मुर्दा जलाने आएगा उससे कर लेना, और कर के रूप में कफन लेना। कफन, कफन मतलब जो मुर्दा को लपेटा जाता है जिस कपड़े से, तो तुम कफन लेना जरूर, कफन लिए बिना किसी को दाह मत करने देना। तो राजा हरिश्चंद उसी काम पर लगाए गए थे, और उनकी रानी विलाप करते हुए आई कि हाय विधाता, ऐसा दिन कर दिया, पति चंडाल का नौकर, बच्चा बिक गया है और रानी दासी बन गई। तो इस तरह से विलाप करते हुए आई श्मशान में, उसके करुण क्रंदन को राजा पहचान गए। लेकिन अब तो वे राजा नहीं थे, अब तो वे उस चंडाल के सेवक थे, और पूर्ण ईमानदारी से उन्हें अपनी ड्यूटी करनी थी। तो छाती को कठोर बना करके उन्होंने कहा, इस शव को जलाने के पहले तुम मुझे कर दो। तो पूछा, क्या कर? वो पहचान गई ये हमारे पति हैं। तो उन्होंने कहा, सर्विया ने कहा कि आप पहचानते नहीं हैं, मैं आपकी पत्नी हूं और ये आपका पुत्र है। तो राजा का पुत्र मर गया है और रानी लेकर आई है, पर अपना कर्तव्य है टैक्स मांगना, कर लेना। तो राजा ने कहा, जिस समय मैं राजा था उस समय था, अब मैं राजा नहीं हूं, मैं यहाँ के स्वामी का दास हूं, और कर लेना मेरा कर्तव्य है, तुम मुझे कर दो। तो रोने लगे कि हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है, फटी पुरानी साड़ी थी तो साड़ी का आंचल फाड़ करके मैं कफन बना करके लाई, अब मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तो राजा ने आग्रह किया,
तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम बिना दिए इस शव को यहां जला नहीं सकते। तो वह और रोने लगी, लेकिन वो भी तो राजा हरिचंद की पत्नी थी, धीरे दृढ़ करके अपनी शेष साड़ी को कहीं कि इसी में से ले लीजिए। तो राजा हरिश्चंद जैसे ही अपनी पत्नी की साड़ी फाड़ने चले, तलवार से काटने चले साड़ी को, उसमें फूलों की वर्षा होने लगी और भगवान प्रकट हो गए। और भगवान शंकर भी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इंद्र सब। तो जहां सत्य है, जहां धर्म है, वहां भगवान है ही। तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने बच्चे को स्पर्श किया, वो जी करके बैठ गया है। राजा हरिश्चंद्र को भगवान ने कहा है कि महाराज आप हमसे कुछ मांगिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे आपके चरणों में शुद्ध भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति का वर मांगे। तो ये सब बातें सीखने लायक हैं। हम भी किसी न किसी के दास हैं, तो अपनी अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए ईमानदारी के साथ। राजा हरिश्चंद्र तो चंडाल के दास बन गए और हम किसी के दास बनते हैं तो चंडाल नहीं है, तो अपने कर्तव्य को देखना चाहिए। हम किसी कंपनी में सेवक हैं, किसी मंदिर में सेवक हैं, तो हमें अपनी ड्यूटी करनी है और ईमानदारी के साथ, एक पैसे की भी बेईमानी नहीं करनी। जो भी दान मिला तो दान का पैसा पूरा पूरा दान के विषय में होना चाहिए। भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा, भगवान का प्रचार, ये हम लोगों के लिए धर्म है। हम मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए ये जैसा है, जीवन में ईमानदारी प्रथम होनी चाहिए, कर्तव्य पालन, यही धर्म है। शास्त्र इसी को धर्म कहते हैं। धर्म मतलब अपना कर्तव्य, हमें जो करना है। आलस छोड़ करके अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। उस समय ये याद नहीं रहना चाहिए कि हम इस परिवार के हैं, हम ऐसे हैं, ये हैं, नहीं, कुछ नहीं। जैसे राजा हरिश्चंद सोचते थे, मैं इस चंडाल का दास हूं, इसलिए मैं अपनी पत्नी से भी उस विपत्ति में कर मांगे, डिगे नहीं। भारतेंदु हरिचंद लिखा है, चंद्र तरह सूरज तरह, तरह जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद को तरह न सत्य विचार। चंद्रमा चला जाएगा, सूर्य चला जाएगा, पृथ्वी चल जाएगी, लेकिन राजा हरिचंद का सत्य विचार नहीं दिख सकता है। तो ये हमारा वैदिक इतिहास इस तरह के राजाओं के आदर्श भरा है और ब्राह्मणों के। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण जो मेरी भक्ति से लबालब भरे रहते हैं, अकिंचन होते हैं, कुछ संग्रह नहीं करते और मेरे से कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो मुझसे कुछ मांगते ही नहीं है, तो फिर वे अन्य देवताओं से क्या मांगेंगे और फिर मनुष्यों से क्या मांगेंगे। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी भक्ति उनके पास होती है। एक बार की सत्य घटना है कि जब
चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, तो एक बार वर्धमान में एक ब्राह्मण को बहुत जरूरत थी पैसे की, बेटी का विवाह करना था। तो शंकर जी के भक्त थे, तो बेचारे चिंता में सो गए, तो सपना देखे कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम वृंदावन चले जाओ, वहां सनातन गोस्वामी रहते हैं, वे तुमको धन दे देंगे। तो ब्राह्मण सवेरे जगा और वर्धमान से वृंदावन आया, मथुरा आया और वृंदावन पूछते हुए सनातन गोस्वामी का पता लगाया। सनातन गोस्वामी का पता लग गया तो पहुंचा उनके पास और अपनी दीन दशा उनसे बता दी। तब सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, आप जाओ वन में उतना दूर पर, वहां मिट्टी और पत्ता से ढका हुआ स्पर्श मणि है, पारस मणि, जो लोहे को लोहे का स्पर्श करे तो लोहा सोना हो जाता है। स्पर्श मणि सनातन गोस्वामी थे, उसको फेंक दिया था धूल में जंगल में। तो ब्राह्मण गया और उसको मिल गया, बहुत खुश हुआ। वो स्पर्श मणि लेकर के और इसके बाद एक लोहा से छुआया, एक लोहा को टच किया और मणि तो लोहा सोना बन गया। तो बहुत प्रसन्न था, वो लेकर के आया सनातन गोस्वामी के पास और कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, लेकिन जब वो ले करके चला स्पर्श मणि तो सोचने लगा कि साधु के पास इससे भी बड़ा धन कोई है, तब तो इस धन को धूल में फेंका था, इससे बड़ा धन है। तो उसको जिज्ञासा हुई, लौट करके रास्ते से आ गया और सनातन गोस्वामी से पूछा ताकि मैं पा गया धन, लेकिन एक प्रश्न उठ गया मेरे मन में, आप इससे भी अधिक धन रखे हैं ना, इससे ज्यादा धन आपके पास है, तभी तो इस धन की आप उपेक्षा किए हैं। तब सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ, तो हमको वह धन दे दीजिए। अब हुआ क्या कि सनातन गोस्वामी जैसे भगवत प्रेमी का संग पाते हैं, उसके मन में इच्छा हो गई दूसरी, साधु का प्रभाव होता है। अब सनातन गोस्वामी को जो धन प्राप्त है वो धन प्राप्त करने की सोचने लगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि इस पारस को जमुना के जल में फेंक दो। जमुना जी वहीं से सट कर बहती थी, मदन मोहन मंदिर देखे हैं ना ऊंचे टीला पर, तो जमुना जी ठीक नीचे से बहती थी। तो पारस पत्थर और जमुना में फेंक दिया, उसको विश्वास था सनातन गोस्वामी को। जब धन के विषय में पूछने लगा कि उससे बड़ा धन आपके पास क्या है, तब गोस्वामी पाद ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ये राम नाम धन पायजु मैं राम रतन धन पायो। नीरज ने कहा है राम का नाम सबसे बड़ा रत्न है, हीरा है। तो ये धन ब्राह्मण पा लिया, भक्त हो गया, उसकी सब आशा तृष्णा मिट गई। तो इस तरह भक्त अकिंचन होते हैं। सनातन गोस्वामी के पास कुछ भी नहीं था और निष्प्रिय थे, लोहा को टच करके सोना बना देता था, ऐसे मणि को पा करके वे, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सुरक्षित कुटिया में रखें या बैंक में जाकर जमा करें, कुछ नहीं।
फेंक दिए थे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अकिंचन ब्राह्मण मेरे भक्ति के सुख से पूर्ण रहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं। स्वर्ग अपवर्ग अधिपते, मैं स्वर्ग का और अपवर्ग का वैकुंठ का राजा हूं, लेकिन हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। तो फिर दूसरे से क्या मांगेंगे? इतरेण किम ऊ, फिर इतरेण दूसरे से क्या मांगेंगे? अर्थात कुछ नहीं। वे भगवान शिव से प्रेम करते हैं वैष्णव, लेकिन उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। वैष्णव शंकर जी से प्रेम करते हैं, परंतु कामना से नहीं कि हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए। शुद्ध भक्ति से प्रेम संबंध रखते हैं, जानते हैं कि ये भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं और इनकी कृपा से भक्ति मिलती है, तो इस कारण से वे प्रेम करते हैं। तो ये भगवान अपने भक्तों का लक्षण बताए हैं और विशेष करके ब्राह्मणों का लक्षण। तो ब्राह्मण के उत्कर्ष को सहन करना चाहिए। भगवान हम लोगों के हित के लिए प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई प्रोग्राम था और आ करके बस अपने बोली बोलकर चले गए। वो अपने इच्छा से घूमते हुए गए थे, राजा थे, ये राजा का कर्तव्य है जनता को शिक्षा देना। तो भगवान इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं। ब्राह्मण के सम्मान की बात कह करके वे अंतिम श्लोक में कहते हैं, सबका सम्मान करो क्योंकि मैं सबके हृदय में हूं। तो इस तरह भगवान ने अपना प्रवचन पूरा किया। ब्राह्मण सम्मान की बात कह करके सर्व जीव सम्मान की बात कहें, सबका मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, इसी में लाभ है। ब्राह्मण या वैष्णव खुद आदर नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, बल्कि सम्मान मिलता है तो उसको स्वीकार नहीं करते। आप दूसरों को सम्मान देते हैं, बहुत मधुर वचन बोलना, कोई वस्तु किसी को जरूरत हो तो उसे यथाशक्ति देना, सभी जीवों में भगवान है। पशु पक्षी को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज देना, पानी देना, खाना देना, घास देना, और मनुष्यों को भी मधुर वचन और सम्मान देना। आप किसी थके हुए व्यक्ति को इतना भी कह दें, आइए बैठिए, इससे वो तृप्त हो जाता है। अगर अपने पास कोई आसन नहीं है तो घास का आसन भी दे देना चाहिए। यह भक्ति है, सबका आदर देना। इसके विषय में भी सनातन गोस्वामी का एक उदाहरण है। उस समय जब सनातन गोस्वामी वृंदावन रह रहे थे तो भारतवर्ष में कई लोग दिग्विजय के लिए निकलते थे। उस समय दिग्विजय का मतलब हाथी घोड़ा आदि लेकर चढ़ाई करना नहीं था,
बड़े बड़े विद्वान अपने शास्त्र बल से जाते थे दूसरे राजा के यहाँ या दूसरे जगह और वहां वे शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ में जब वे पराजित कर देते थे तो मानते थे कि हमारी विजय हो गई। तो एक ऐसा ही दिग्विजयी विद्वान मथुरा पहुंचा। मथुरा वो भी विद्या की राजधानी थी, काशी मिथिला नवद्वीप ये सब स्थान बड़े प्रसिद्ध थे। तो मथुरा में आकर के उसने ऐलान किया कि कोई पंडित हमारे साथ शास्त्रार्थ करे। तो सब लोग शास्त्रार्थ किए और शास्त्रार्थ में हार गए। तो एक विजय पत्र वो लिखा था, हमारी ये विजय हुई। तो उसमें लिखा था नाम, नाम के आगे साइन कराता था कि मैं हार गया। तो पंडितों ने हार मान लिया और सबने कह दिया कि इस मथुरा प्रदेश में वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम सनातन गोस्वामी, अगर आप उनको हरा देंगे तो समझिए पूरा ब्रज प्रदेश में आपकी जय जयकार होगी और हम सभी लोग मान लेंगे कि हम परास्त हुए आप जीत गए। तो बड़े उत्साह से वृंदावन गया और सनातन गोस्वामी का पता लगा करके वो पहुंचा सनातन गोस्वामी ने आदर किया, प्रणाम किया, बैठाया, पूछे कैसे आए, आपकी क्या सेवा करें। तो सीधा बोला, वो बहुत अभिमान में था, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं और आपकी बहुत प्रशंसा सुना हूं, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो सनातन गोस्वामी बहुत नम्र भाव से बोले, मैं तो शास्त्र पढ़ा नहीं हूं, मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, मुझे शास्त्रार्थ नहीं आता है, शास्त्र पढ़ लेता हूं इसका अर्थ नहीं समझ में आता। तब उसने कहा तो ठीक है यहां साइन करो लिखो। तो सनातन गोस्वामी ने बड़ी आसानी से साइन कर दिया, उस पर लिखा था कि मैं हार स्वीकार करता हूं। तो उन्होंने साइन कर दिया और बड़े अपने विद्वता के डिंग हांकता हुआ वो जा रहा था और लोगों से कि सनातन गोस्वामी परास्त हो गए, देखिए साइन है, साइन दिखाता हुआ जा रहा। तब तक पता लग गया जीव गोस्वामी को, राधा दामोदर मंदिर के पास उस वन में रहते थे, दूर नहीं गया था। उनको पता लगा कि हमारे ताऊ को ये हरा करके उनसे पत्र लिखवा करके आया है और बड़े बांस छांट रहा था। तो अपने ताऊ के और श्रेष्ठ वैष्णव के अपमान का वे सहन नहीं कर सके और उन्हें रोका, कहा कि तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो जीव गोस्वामी के सामने वो क्या शास्त्रार्थ करता, दो चार प्रश्न में ही वो फीका पड़ गया। और तब जीव गोस्वामी ने कहा उस विजय पत्र को फाड़ो, अपने सामने उसको फड़वा दिए और वो तो मुंह लटका करके मथुरा लौटा। एक लड़का नौजुवक जीव गोस्वामी छोटे आयु के थे तो
उन्होंने हरा दिया। और सनातन गोस्वामी के पास गए कि खुशी सुनाने के लिए कि मैं उसको हरा दिया, उसका विजय पत्र फड़वा दिया। तो इसको सुनते ही सनातन गोस्वामी कहे, अभी तुम दूसरे का उत्कर्ष नहीं सहन कर सकते, दूसरे को मान नहीं दे सकते हो, मान देने में तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था, तुम चले जाओ बंगाल, यहाँ रहने के अधिकारी नहीं है, वृंदावन में तुम भजन के अधिकारी नहीं, हम मेरे कुटिया पर कभी मत आना, दूसरे का अपमान करके तुम सुखी समझ रहे अपने को, तो ये शिक्षा है कि दूसरे को मान देना चाहिए। जीव गोस्वामी जी बहुत दिन नहीं गए और वे बहुत कम खाते थे, सोते बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल दुबले पतले हो गए। जब रूप गोस्वामी पाद को पता लगा तब वे समझा करके उनको लाए जीव गोस्वामी। तो इस तरह से दूसरे को आदर देना चाहिए। आदर देने में आदर मिलता है, बिगड़ नहीं जाता है। परसों दिन प्रश्न हो रहा था तो लगता था जैसे ब्राह्मण की बड़ाई से लोगों में क्षोभ हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवान का प्रवचन है और हम लोग तो केवल उसको हिंदी में भाषांतर कर रहे हैं, तो संस्कृत का शब्द है बिल्कुल क्लियर है कि भगवान बोल रहे हैं और हित के लिए बोल रहे हैं। जो बात भगवान बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि और उसको करना चाहिए। हम लोग अपने से श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण का आदर करेंगे तो हमारा उत्कर्ष होगा, हम कृष्ण भावना में बढ़ेंगे, हमें अपार शांति रहेगी, सुख रहेगा इस जीवन में भी और इसके बाद भगवान के धाम में जाएंगे, यही जीवन का परम लाभ है। तो जीवन में कैसे रहना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे अपने व्यवहार में रहना है, भगवान इसको आकर के बताते रहते हैं। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद छठे अध्याय के 17वें श्लोक में उसका परपाठ पढ़िए, छठे अध्याय में 17वां श्लोक 17। इस प्रसंग को शेष करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कुछ कहा है। इस संसार के कष्टों से मुक्ति चाहने वाले के लिए ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा कोई अन्य लाभ नहीं। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न है, अतः उसके बाद और कोई कामना नहीं रह जाती। मुक्ति का अभिप्राय है संसार से छुटकारा। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति मुकुंद तांजलि सेवतेष्मान। भक्त के लिए मुक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति ईश्वर के दास की है, अतः जब कोई जीव ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो उसे पहले से मुक्ति प्राप्त हुई रहती है।
फलतः भक्त कभी मुक्ति की स्पृहा नहीं करता, भले ही ईश्वर स्वयं क्यों न प्रदान करे। परपट ये परपट ही अनुवाद अनुवाद करूं। भक्त जन भौतिक संसार के विभिन्न दुखों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है और मुक्ति स्वयं उनकी सेवा करने आती है, तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते। भले ही श्री भगवान स्वयं क्यों न सेवा के लिए तत्पर हो, भक्तों के लिए मुक्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो जाती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। और 16 में क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषभ देव समस्त वैदिक ज्ञान मनुष्यों देवताओं गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी हैं। मैं पहले ही उनके विश्व दिव्य कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, जिससे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभ देव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आगार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्हें सुनता है कहता है, उसे निश्चय ही श्री भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्धि शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तत्पर ऋषभ देव के उपदेश सभी गुण सभी युगों के मनुष्यों के लिए है, चाहे सज्जुग हो अथवा त्रेता द्वापर या विशेषतया कलयुग। सभी युगों के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ये उपदेश इतने प्रभावशाली हैं कि इस कली युग में केवल इनकी व्याख्या करने, आचार्यों का अनुगमन करने या ध्यान पूर्वक सुनने से सिद्धि भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो ऐसा करता है उसे भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का संग्रह श्रीमद् भागवतम इस उद्देश्य से किया गया है, जिससे उन्हें सुनने तथा सुनाने वाले शुद्ध भक्त शुद्ध हो सके। नित्यम भागवत सेवया। हाँ, यहीं से मेरा कहने भी यहीं से वो लिखे हैं पर पर की 24 घंटा भागवत पढ़ना चाहिए। पढ़ी है वो लिखी। भक्तों की लीलाओं का संग्रह श्रीमद् भागवतम में इस उद्देश्य से किया गया है, जिससे इन्हें सुनने तथा सुनाने वाले शुद्ध हो सके। नित्यम भागवत सेवया। भक्तों को नियमानुसार हो सके तो प्रतिदिन 24 घंटे श्रीमद् भागवतम का पठन कथन तथा श्रवण करना चाहिए। यह चैतन्य महाप्रभु की सलाह है। कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि तो वह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे या श्रीमद् भागवतम का पाठ करे, और इस प्रकार श्री भगवान ऋषभ देव कपिल तथा कृष्ण रूप में प्रकट होने वाले भगवान के चरित्र तथा उपदेशों को समझे। इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य प्रकृति से परिचित हुआ जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो भगवान के जन्म तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जान लेता है, उसे भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वह परम धाम को प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल 24 घंटा भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब मैं व्याख्या किया था वृंदावन में, अगर 24 घंटा नहीं कर सके तो 22 घंटा कीजिए या 20 घंटा कीजिए प्रतिदिन, या 10 घंटा या जितना हो सके करना चाहिए। अगर आपसे आधा घंटा ही होता है तो आधा घंटा पढ़िए। ऐसे स्टैंडर्ड है कि 24 घंटा है, खाना पीना सब छोड़ करके भागवत पढ़ना चाहिए, महामंत्र जपना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ये सिद्धांत की बात है कि भागवत या हरे कृष्ण महामंत्र 24 घंटा बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
24 घंटा एक दिन में डेली, तो उसमें से कुछ भी घटाएंगे, मान लीजिए एक घंटा कम कर लिया तो 23 घंटा या 22 घंटा 21 घंटा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2400 घंटे गायब कर दिए। 24 घंटे में कम से कम एक घंटा जरूर पढ़ना चाहिए, जपना चाहिए। महामंत्र जपने में तो कम से कम 2 घंटा। मैं श्रील प्रभुपाद जी की बात कह रहा हूं, उन्होंने कहा है कम से कम 24 घंटे भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए या महामंत्र का जप करना चाहिए 24 घंटे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में इसीलिए भगवान की और भगवान के भक्तों की लीलाएं रिकॉर्ड की गई हैं कि अन्य सब भक्त इसको सुने कहें जिससे शुद्ध हो जाए। सुखदेव गोस्वामी कहे हैं मैंने भगवान ऋषभ देव के शुद्ध चरित्र को कहा जो मनुष्यों के समस्त दुष्चरणा भी हरणम, जितना भी दुष्चरिता भी हरणम, जो भी दुष्कर्म हो गए हैं, जो भी गलती हो गई है उसको केवल सुनने मात्र से समाप्त कर देगा, इतना प्रबल प्रसंग है। भगवान ऋषभ देव आ करके सबके धर्म को सिखाए। पहले ब्रह्मचारी रहे, गुरुकुल में वास किए, गुरुकुल में रह करके गुरु को दक्षिणा दे करके और तब गृहस्थ बने, राजा बने और राजभवन में ही वे विरक्त हो गए और जब घर छोड़े तो गगन मात्र पर आकाश केवल संग्रह था, एक वस्त्र भी शरीर पर नहीं था। राजभवन में ही मुकुट और वस्त्र सब त्याग दिए और किसी के बात का कोई उत्तर नहीं देते थे, चल दिए गूंगे की तरह, बहरे की तरह। कोई पूछता रह गया कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई उत्तर नहीं। इस तरह घर से निकलकर परमहंस आश्रम के धर्म को सिखाए। तो उनके इस जड़ चर्या को जो बहुत ऊंची चीज है, कलयुग में एक अरहत नाम का राजा भगवान ऋषभ देव के कर्मों की नकल करेगा, सुखदेव गोस्वामी कहे हैं। भगवान ऋषभ देव के कर्म को सुनना चाहिए, कहना चाहिए, करना नहीं चाहिए, वो सुखदेव जी कहते हैं। लेकिन अरहत नाम का राजा वो उनके कर्मों का प्रचार किया, नग्न रहना, बाल नोचना, क्या क्या ये सब अधर्म। हम लोगों के लिए सुखदेव गोस्वामी का, श्रील प्रभुपाद का यही कहना है कि हम लोगों को भगवान ऋषभ देव के चरित्र को कहना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन वो जो किए उसकी नकल नहीं की जा सकती, वो तो जहां सोते थे जंगल में और वहीं शौच करते थे, सारे शरीर में मल लग जाता था और गाय की तरह
हरिणी की तरह खाते थे, पीते थे, खड़े खड़े खा लेते थे, खड़े खड़े शौच करते थे, खड़े खड़े पेशाब करते थे, नग्न रहते थे। तो ये सब कर्म नहीं करना चाहिए, ये सब कहने सुनने के लिए है केवल। तो भगवान का उपदेश यहाँ पूरा हो रहा है, अब अंतिम श्लोक है, कल पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न तो हरे कृष्ण, प्रश्न बहुत जरूरी होता होना चाहिए। जैन संप्रदाय इन्हीं से निकला है क्या, ऋषभदेव जी से ही? और यदि निकला है तो वो तो अनुकरण करते हैं कि नग्न रहना, बाल नोचना, जबकि अनुकरण नहीं करना चाहिए, श्रवण करना है लीलाओं का। पता है नहीं, वो आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा। हरे कृष्णा प्रभु, भगवद गीता में भगवान कुल अबाउट दो डजन टाइम बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो मेरे धाम में आ सकोगे, मगर दूसरे अध्याय में वो अर्जुन को बोलते हैं कि अगर आप युद्ध जीत गए तो राजा बनोगे, और अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो भगवान उनको स्वर्ग का बात क्यों किया, अपने धाम का क्यों बताया नहीं, उसके पीछे कोई कारण था या क्या हो सकता? नहीं, भगवान दृष्टिकोण बता रहे हैं कि स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पित मदस्य, तुम अपना स्वधर्म भी देखो तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और युद्ध सब तरह से तुम्हारी भलाई करेगा। जीतोगे तो पृथ्वी का राज मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। लेकिन अर्जुन के सामने स्वधर्म अब नहीं था, भगवान की आज्ञा पालन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। करिष्ये वचनं तव, उन्होंने कहा अंत में कि मैं आपके वचन को करूंगा। करिष्ये वचनं तव, स्वधर्म देख करके या स्वर्ग के लोभ से या पृथ्वी के लोभ से वे राज नहीं किए, युद्ध नहीं किए। भगवान को यह पसंद था, वो चाहते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे करूंगा। हमारे में अंतरात्मा शब्द बोलते हैं, अंतरात्मा, तो अंतरात्मा अपने स्थित परमात्मा को बोला जाता है या अपने व्यक्तिगत आत्मा को समझा जाता है? अंतरात्मा का क्या अर्थ होता है? अंतरात्मा का अर्थ होता है अंत है आत्मा, उसका जनरल अर्थ लोग समझते हैं भीतरी अंतःकरण, चित्त, मन, उसी को अंतरात्मा कहते हैं। और वास्तविक आत्मा या अंतरात्मा तो जीवात्मा है, और जीवात्मा के भी आत्मा है भगवान, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है।
तो परमात्मा के आदेश को मानना ये आत्मा का कर्तव्य है, और आत्मा के अनुसार चित चले, मन चले, बुद्धि चले, ये होना चाहिए। हाँ, तो जप मिला करके सब 24 घंटा जप, महामंत्र का, भागवत पढ़ना, कुछ गीत गाना, भगवान की सेवा करना, ये सब मिलाकर 24 घंटा समझ लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य ये है कि कम से कम सोना, खाना, बातचीत नहीं करना, अधिक से अधिक भक्ति के काम में लगे रहना, उसका मतलब ये होता है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, हम भक्ति में आते ही ऐसे श्रीमद् भागवतम एवं भक्तों के मुखारविंद से ऐसे महान चरित्र का श्रवण करते हैं, और उस समय हमें अकिंचन वृत्ति के अनुभव होता है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। फिर हम प्रवचन करते उसमें भी हम लोग उदाहरण देते हैं, मगर कुछ समय के बाद ये जो अकिंचन वृत्ति है वे तुरंत ही हमारे ऐसे चरित्र हम भूल जाते हैं, और फिर वापिस जो ब्राह्मण के चरित्र जैसे यहाँ बताया भगवान ऐसे ऐसे मेरे भक्त होने चाहिए, तो उसका क्या हमें क्या कमी, क्या हम नाम अपराध कर रहे इसके लिए हो रहा है ऐसा? नहीं, अपराध नहीं। उसका कारण यह है कि हम अनादि काल से इस प्राकृत शरीर के बंधन में हैं, तो हमारी इस प्राकृतिक जगत में रहते रहते एक प्रकृति हो गई है, एक स्वभाव बन गया है विषयों में रहना। तो कभी हम बात सुनते हैं, भागवत सुनते हैं या भगवत गीता सुनते हैं, तो मन में आता है कि ऐसा बने, ऐसा हो जाए, लेकिन जो स्वभाव है वो हावी हो जाता है, प्रकृति के गुण हमें ब्लॉक जोत देते हैं। तो धीरे धीरे होगा, पर धैर्य रखना चाहिए, धैर्य जरूरी है। धैर्य का अर्थ है कि फल आने में देर हो रहा है, फिर भी अपने साधन को करते रहना। जैसे आप कोई पेड़ लगाए हैं और फल आने में देर हो रही है, तो इसका मतलब नहीं कि पेड़ को छोड़ दें या काट दें, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, और समय पर फल लगेगा। तो बहुत जन्म बीता है विषयों में, तो इस एक जन्म में, और वो भी 2-4 साल से कुछ थोड़ा कर रहे हैं, तो एक कैसे अकस्मात हो जाएगा, इसमें देर लगेगी। लेकिन सत्य है, यही हमारा स्वरूप है, ये तो आएगा ही, परंतु ये समय की अपेक्षा रखता है, साधन की अपेक्षा रखता है। धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रख करके और भगवान का नाम जप करना, प्रणाम करना, वैष्णवों के मुख से सुनना, पढ़ना, पूजा आदि करने में रहना चाहिए। विशेष करके वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम से बहुत जल्दी प्रणाम मिलता है, भगवान को प्रणाम करना चाहिए बार बार, और उन्हीं से अपने मन की बात कहनी चाहिए। वो अर्चा विग्रह के रूप में हैं, पर निश्चित कृष्ण है, हमारी बात को समझ रहे हैं, ये विश्वास रखिए। विश्वास ही मूल भक्ति है। और विश्वास, गुरु की बात पर विश्वास, शास्त्र की बात पर विश्वास, प्रभुपाद जी जो कहते हैं उस पर दृढ़ विश्वास,
यहाँ ये सत्य है, भगवान है और हमको मिलेंगे। और इसका प्रमाण है कि बहुत से भक्तों को मिले हैं, वे हैं तभी न मिले हैं, और वे सदा रहेंगे, अनंत काल तक भगवान हैं रहेंगे, और बहुत पहले से हैं और सब जगह है, हमारे हृदय में भी है, हमारी प्रत्येक कामना को इच्छा को समझते हैं। तो उन्हीं से कहना चाहिए भगवान है। अगर ये भगवान का ये गुण भक्ति प्रेम नहीं मिलता तो ये सब शास्त्रों में क्यों लिखा गया है ऐसा करने से मिलेगा, ऐसा करने से मिला है। जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ऋषभ देव, भगवान कपिल देव और भगवान कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से सुने और करे तो उसे शुद्ध प्रेमा भक्ति मिलेगी। तो ऐसा प्रभाव सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। परीक्षित महाराज की सभा में गंगा जी के तट पर वे झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हैं, वे कह रहे हैं कि ऐसा तुम सुनोगे कहोगे तो यह चीज मिलेगा, तो बिल्कुल सत्य है। सुखदेव गोस्वामी जैसा महापुरुष विरक्त शिरोमणि झूठ क्यों बोलेगा। तो विश्वास रखना चाहिए कि सत्य है, सत्य है, हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। महाराज जी, अभी अभी आपने कहा कि सब वैष्णव को बार बार प्रणाम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी और भगवान को भी प्रणाम करना चाहिए। कभी कभी वैष्णव लोग को प्रणाम करने के वैष्णव लोग बोलते हैं कि भाई हमको क्यों प्रणाम करते हैं, हमको नहीं करना चाहिए, भगवान को प्रणाम। हाँ, तो वैष्णव को सिखाया गया ना प्रणाम कराना नहीं चाहिए, लेकिन करना चाहिए। वैष्णव तो चाहते हैं कि हमको प्रणाम न किया जाए। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में रुकते थे, जब दर्शन करने आते थे तो कई लोग प्रणाम करते थे, जनता प्रणाम करती थी, तो भक्तों को भी और जनता को भी और रुकते थे भक्त लोग। प्रभुपाद जी कहते थे कि हटाओ प्रणाम न करना। और कभी कभी भूल होती है, लोग आवेश में भगवान के सामने ही प्रणाम करने लगते हैं, तो भगवान के सामने प्रणाम कराना अपराध है, जिसको प्रणाम किया जा रहा है उस पर अपराध लगेगा, क्योंकि ईश्वर के सामने प्रणाम किसी दूसरे को नहीं होना चाहिए। सेवा अपराध में सब लिखा गया है, ड्यूटी के सामने कोई बातचीत करना जोर से या किसी को प्रणाम करना यह अपराध है। ड्यूटी के सामने किसी को आशीर्वाद देना यह अपराध है। जब भगवान है तो उनके सामने कोई आशीर्वाद देने लगे, सारे आशीर्वाद की खान तो भगवान है। ये सब बातें भक्ति समित सिंधु में दी गई है। बड़े प्रयत्न से अपने धर्म को सीखना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। सवेरे शाम तक हमें अपना जानना है कि हमारा काम क्या है। हमें किस कर्म से बचना चाहिए
और किस कर्म को अवश्य करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है जानना। झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता है, लेकिन यह स्वभाव बन गया है, झूठ बोल ही देते हैं। कोई क्लास में नहीं कहा होगा कुछ कम कम कुछ झूठ बोलना चाहिए। अब बहुत दिन सच बोल रही है, जीव उब गया, कुछ कुछ झूठ बोल रही है। लेकिन झूठ है तो स्वभाव में है, वो आ ही जाएगा। शिक्षा यही दी जाएगी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर घबराना नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। एक बार तो एक कहते हैं कि निग्रह किम करिष्यति, विकृतेर जानती भूतानि, निग्रह किम करिष्यति। अपने स्वभाव के अनुसार सभी प्राणी बरतते हैं, उन पर कंट्रोल क्या करेगा, कुछ नहीं। दो बार कहे हैं निग्रह किम करिष्यति, ये कंट्रोल करने से क्या होगा। लेकिन वही प्रभु कहते हैं कि अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए। इंद्रश्चेन्द्रियाश्चार्थ राग द्वेषो व्यवस्थित तय न बस नागच्छे तव यस्य परिपंथिनम्। भगवान कहते हैं इस संसार में किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से राग मत करो और द्वेष मत करो। किसी से बिना मतलब के द्वेष नहीं, द्वेष मतलब हमको ये पसंद नहीं है, ये भी द्वेष है और हमको ये चाहिए, ये राग है। तो ये व्यवस्थित है, सबके इंद्रिय पर है और इंद्रिय के विषयों में है, लेकिन आत्मा के दोनों परिपंथी हैं। परिपंथी का अर्थ होता है बटमार, बटमार का अर्थ होता है बाट में, रास्ता में जो लूटे मारे उसको बटमार कहते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं ये दोनों रास्ते के लुटेरे हैं, हम सब रास्ते में, हम पथिक हैं, भगवान के तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये राग और द्वेष दोनों रास्ते में बटमार की तरह लूट लेते हैं, मारते हैं। कहीं फंस जाते हैं, राग हो जाता है, और कहीं द्वेष करते हैं। द्वेष करेंगे हमारे लिए बड़ा बाधक है और राग भी बाधक है। तो तयोर न बस नागच्छेत, इन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, भगवान कहते हैं। ये दोनों हानि करते हैं, व्यक्ति को पहुंच नहीं पाएगा, रास्ते में लूट लेंगे। सब तरह से सेफ पहुंचने के लिए भगवान के पास महामंत्र का उच्चारण सभी शास्त्र कहते हैं कि उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जपते रहिए, भगवान की कृपा से सिद्धि मिलेगी। कृष्ण
महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं एक वैष्णव हूँ और मैं इस मंदिर में और संतों के साथ में रहता हूँ और यहाँ पे ऑडिटिंग वगैरह का भी काम करता हूँ और इस मंदिर में भी मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाई प्रोफेशन। मैंने मेरे मन में एक प्रश्न है कि वैष्णव धर्म में अपनाते हुए गृहस्थी में रहते हुए मैंने जब देखा कि राग द्वेष से मुझे दूर आना चाहिए, मोह से दूर आना चाहिए, तो मैंने मंदिर की शरण ली और यहाँ मंदिर में आता हूँ तो मेरा विश्वास कई बार डगमगा जाता है ये देखकर कि मंदिर में भी जो संत वगैरह हैं, जब उनमें मैं देखता हूँ कि उनमें भी राग द्वेष चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान गीता में कहते हैं संयम योग, अपने मन को बैलेंस में रखना चाहिए और जो उचित देखना है वही देखना चाहिए और सुनना है। मंदिर में आकर के भगवान का दर्शन करना और वैष्णवों के मुख से भगवान की कथा होती है गीता या चाहे भागवत, उसको सुनना चाहिए और बहुत वार्ता नहीं सुननी चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो प्रकृति के तीन गुण हैं और ये बड़े बलवान हैं, ये प्रभाव सब पर डालते रहते हैं, तो कभी कभी भक्त पर भी बड़ा प्रभाव डाल देते हैं, तो उस समय उसका आचरण उसकी बोली कुछ भिन्न हो जाती है, कभी कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए, शांति रखनी चाहिए और जिस भाव से मंदिर आते हैं उस भाव की रक्षा होनी चाहिए। एक बार कथा है, एक वैष्णव पैठण में रहते थे, पैठण महाराष्ट्र का एक गांव है पुणे के पास, तो पैठण में एक नाथ महात्मा रहते थे, वो गृहस्थ थे एक नाथ। तो एक बार एकादशी के दिन वे जा रहे थे स्नान करने गोदावरी जी में, तो रास्ते में एक पठान की हवेली थी, पठान मतलब मुस्लिम, तो जब वे नहा करके आ रहे थे एक नाथ जी, तो पठान अपने छत पर बैठा था और कूड़ा कर दिया पानी, तो एक नाथ जी पर पड़ गए, तो वे फिर लौट गए और गए गोदावरी जी में दोबारा स्नान करके। जब स्नान करके आते थे तो आते समय वो कूड़ा कर देता था और उसका पूरा परिवार देखता था, तो उसकी स्त्री पूछी कही कि ऐसा क्यों करते हैं, बेचारे को क्यों थूकते हैं, तो कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि इस काफिर को क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, मैं हैरान इसलिए हूं, मैं इस पर इतना कूड़ा किया, वो कूड़ा लगभग 108 बार पहुंच गया और 108 बार एकनाथ महाराज गए गोदावरी जी में स्नान करके आए। अंत में
अंत में उस शैतान की पशुता हार गई, उसकी सठता हार गई और वो अंत में सोचने लगा कि इसको थोड़ा भी क्रोध नहीं है। वो उतर गया कोठर से और अंत में आते समय एकनाथ जी के चरण में गिरा, मैं मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत पाप किया, आप पर थूक दिया, कुल्ला किया। तो एकनाथ जी ने कहा कि इससे क्या हुआ, आपने तो मेरा उपकार किया ना, आप हमको ऐसा अवसर दिए कि 108 बार मैं नहाया, तो आपने तो पुण्य का काम किया है। तो एकनाथ महाराज उस व्यक्ति में देख रहे थे और सही वो सच्चे भाव से बोल रहे थे कि मैं उसके कारण 108 स्नान किया और एक बार भी ऊपर देखा नहीं और कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हो, इतना तक नहीं कहा। मन पर क्षोभ नहीं हुआ, मन में उसको अनुचित नहीं माने, मानेंगे भगवान की यही इच्छा थी और जाकर स्नान कराते थे, 108 बार स्नान किए गिन करके, क्योंकि वो 108 बार खुला किया। वो तो उसका स्वभाव ही था, वो तो करेगा ही, उसके लिए वही शोभा की बात है। लेकिन वह दुष्ट अंत में रोने लगा और क्षमा मांगा। मेरे यह कहने का आशय है कि जिस उद्देश्य से मंदिर आते हैं तो उसकी रक्षा करना है आपका कर्तव्य है। हमेशा जप करते रहिए, भगवान को देखना, प्रणाम करना और भक्तों की कथा को सुनना और कई प्रकार की बातों को नहीं देखना चाहिए, और देखे हुए तो शांति रखनी चाहिए। कभी कभी समझ में नहीं आता है कोई वैष्णव किस अभिप्राय से, किस काम से इसमें लगा हुआ। लेकिन वैष्णवों में जो राग और द्वेष होता है वह न्यूनाधिक रूप से कृष्ण भक्ति के कारण होता है। जैसे हनुमान जी में, हनुमान जी लंका में गए और इतना क्रोध हुआ कि वे लंका को जलाने लगे, बहुत क्रोध में थे, सब राक्षसियां हाय हाय करने लगे, पानी पानी पानी, सब रानी अकुलाई है, हाथी जलने लगे, घोड़ा जलने लगे, गाय जलने लगी, सब गाय तो हाथी नहीं और सब जलने लगे, बच्चे जल रहे हैं, स्त्रियां जल रही हैं, राजकोष जल रहा है, अन्न भवन जल रहा है, सब जल गया। और कोई उस समय देखे हनुमान जी को तो कहा कि बाप रे कैसा राक्षस है, सबको जला रहा है, कहां का आतंकवादी आ गया है। लेकिन हनुमान जी के उस समय उस कर्म को देख करके भ्रम हो सकता है, लेकिन वो जो भी कर रहे थे वो भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे थे, तो वही ठीक था। तो कभी कभी वैष्णवों में देखा जाता है कि राग है, कि राग का कोई ना कोई कारण होता है, वो भगवान होते हैं, वह राग उतना घातक नहीं है और द्वेष भी घातक नहीं है, भगवान की भक्ति से वो सॉफ्ट हो जाते हैं।
तो भक्तों के प्रति भाव का पोषण करना चाहिए, ये अपना कर्तव्य है। जैसे कहा गया कि ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, तो हजारों श्लोक हैं जिसमें कहा गया है कि वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। तो वैष्णव को नापने के लिए अपने मन में कोई मीटर नहीं बैठाना चाहिए कि अच्छा हम नाप करके देखें कि वैष्णव है कि नहीं। एक सामान्य धारणा के अनुसार भगवान की भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, प्रणाम कर रहा है तो वैष्णव है, और हमारे लिए वो सत्कार का पात्र है। कभी दुर्भावना नहीं करनी चाहिए। दुर्भावना करनी है तो यहाँ बॉलीवुड वालों के साथ कीजिए, सिनेमा वालों के साथ दुर्भावना कीजिए, इससे दुर्वासना का प्रचार होता है। या हत्या करने वाले जो दुष्ट हैं उनके प्रति होना चाहिए, भक्तों के प्रति नहीं। उनके अन्यस दोष गुण चिंतन मस्तक हुआ, अगर कुछ मान्यूट दोष है, गुण है, द्वेष है, राग है, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि हम अपना सुधार करने आए हैं ना मंदिर में, हमें किसी के दोष गुण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव की क्रिया और उसके मूड को, मुद्रा को विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ कि अपने को शुद्ध रखना है तो दूसरे का दोष गुण आवे नहीं, दूसरे के दोष गुण का एक ग्राहक न बने मन। अन्य से दोष गुण चिंतन में सुतर्कवा, यदि हम दूसरे का दोष चिंतन करेंगे तो दोष हमने आएगा, और श्रवण या कथन करेंगे तो हमें आएगा, इसलिए इसे परहेज करना चाहिए। कभी दूसरे का दोष गुण नहीं देखना, और उसमें भी वैष्णव का तो बिल्कुल नहीं। भगवान का भक्त है तो उसकी संभाल भगवान करते हैं, वैष्णव कितना भाग्यवान है। जैसे कहीं भी किसी नदी का जन्म हो, किसी नाला का, किसी प्रकार का हो, लेकिन अगर वह संयोग से गंगा जी में पड़ जाए तो वहां से वो गंगा जल हो जाते हैं। तो इसी तरह से वैष्णव कोई महाराष्ट्र में, कोई यूपी में, कोई कहां जन्म लिया, कोई किसी कुल में, कोई किसी कुल में, कोई ब्राह्मण में, कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, कोई शूद्र में, लेकिन जब भक्ति के गंगा में आया, भगवान कृष्ण से संबंध हुआ तो वैष्णव हो गया। हम लोगों का ये कर्म नहीं है कि हम वैष्णव के दोष को देखें। अगर कभी मन चला जाता है, दिखाई देता है कि इसमें ये दोष गुण है, तो मन को समझा करके हटाना चाहिए। और भक्तों को भी सावधान होना चाहिए कि हम आदर्श हैं,
हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ऐसे दोष नहीं होना चाहिए जो दूसरे लोग उससे बुरा प्रभाव लें, उनको लगे ठीक से अनुभव हो कि हाँ भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। जब आए तो भगवान की भक्ति में लगे रहे, भक्त लोग सांसारिक वार्ता में नहीं। जितना ही हम सद्गुण देखेंगे उतना ही सद्गुण हमारे अंदर आएगा। भगवान दत्तात्रेय ऐसे सांसारिक दृश्यों को देख कर भी शिक्षा लेते थे। वे 24 गुरु बनाए, 24 गुरु उनको उपदेश नहीं किए कि जप करो, भगवान को प्रणाम करो, कोई कुछ भी उपदेश नहीं किया, लेकिन भगवान स्वयं उपदेश ले लिए, अपने मन से अपने बुद्धि से उन्होंने ग्रहण किया कि इससे उपदेश मिलता है। आपका प्रश्न कई लोगों का प्रश्न है, मैं उस प्रश्न का स्वागत करता हूं, लेकिन आपके हित के लिए, अपने हित के लिए, सबके हित के लिए कह रहा हूं कि हमें दोषों का संग्राहक नहीं होना चाहिए। इग्नोर करना, मन से सोचना भी नहीं चाहिए। आपका कहना भी अच्छा है कि वास्तव में भक्तों के जीवन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो सांसारिक लोगों में देखी जाती है, राग द्वेष। ये भक्तों में रहने लायक चीज नहीं है, क्योंकि उनको तो भगवत गीता पढ़ने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, भगवान के उपदेश सुनने को मिल रहे हैं, संघ है वैष्णवों का, साथ में भगवान है मंदिर में, तो यहाँ ये सब दोष रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, हरे कृष्ण। Yeah.